सपनों को पूरा करने में इतना देर मत कर देना कि सपने सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भारतवर्ष में। दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और चाहते हैं ड्राइविंग करना तो दिल्ली सरकार आपको सुनहरा मौका दे रही है। दिल्ली सरकार ने ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी निकाली है जिसमें 31 दिसंबर 2021 लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली में ड्राइविंग करना तो आपके लिए है सुनहरा मौका। साथ में हमारे कंडक्टर भाई जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कंडक्टरी कराते थे, तो उनके लिए भी एक मौका है, उनको भी बताऊंगा। पहले ड्राइविंग वाले भाई ध्यान से सुने, अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार ने वैकेंसी निकाली है, वो भी आपको कहीं नहीं जाना, बिल्कुल ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आके लिंक पे क्लिक करेंगे वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें करना क्या है आपको, इसमें सरकार ने 1 साल के लिए वैकेंसी निकाली है कि जैसे आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको सरकार रखेगी ड्राइविंग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका बोल व्यवहार अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपकी ड्यूटीज की अच्छी है, तो आपको 1 1 साल करके गवर्नमेंट आगे भी आपको कंटिन्यू रखेगी और रख सकती है। ये सब डिपेंड करते हैं आपके बोल व्यवहार के ऊपर, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर साल ड्राइवर हो या कंडक्टर हो दोनों की वैकेंसी हर साल आती है। लास्ट ईयर भी दिल्ली के अंदर वैकेंसी आई थी लेकिन कोरोना के कारण डिले हो गई थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कहा कि इस बार हम ड्राइवर्स और कंडक्टर दोनों हायर करेंगे करेंगे। तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 3 साल पुराना हैबी बैच होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन आ रहा है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद खुद फॉर्म आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद खुद सरकार का आपके पास फोन आएगा, उस फोन में आपसे आपको बुलाया जाएगा, जो भी आपके नियर अबाउट होगा वहाँ जाके आप जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा, उसमें जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है आपके लिए, इसमें आपकी 18,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है, जो कि अभी उसके बाद दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। और अब रही हमारे कंडक्टरी की बात, दोस्तों जब ड्राइवर की वैकेंसी आएगी तो कंडक्टरी की वैकेंसी आएगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अंदर इस साल 1,000 बसें आने वाली हैं। अगर 1,000 बसें आएंगी, वो बसें चलती हैं 2 शिफ्ट में, तो समझ ले कि 2,000 ड्राइवर प्लस 2,000 कंडक्टर, 2,000 ड्राइवरों की भी आएगी, 2,000 कंडक्टरों की भी आएगी। तो देर मत करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ कंडक्टर भाइयों के लिए भी, जैसा कि आपको पहले फर्स्ट एड करना पड़ता है, उसके बाद IDTR की 2 दिन की क्लास लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको अथॉरिटी में जाकर कंडक्टर का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका कंडक्टर का लाइसेंस आएगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा मौका है। तो भाई, कंडक्टर भाई और ड्राइवर भाई दोनों भाई तैयारी करो, और जैसे भी आगे कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहना और अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।